आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। पाकिस्तान के लाहौर में सोमवार शाम हुए बम ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में लाहौर ट्रैफिक पुलिस के DIG और पंजाब पुलिस के SSP भी शामिल हैं। ऐसे ब्लास्ट में करीब 69 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान गुट जमात उल अहरार ने ली है। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की पूर्व CM जयललिता, शशिकला और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को फैसला सुनाएगा। तमिलनाडु में सियासी खींचतान के बीच अन्ना द्रमुक महासचिव शशिकला ने पन्नीर सेल्वम को आड़े हाथों लिया है। शशिकला ने कहा है कि पिछले 33 सालों में पन्नीर सेल्वम जैसे हजार देखे हैं। शशिकला यहीं नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी से डरती नहीं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तमिलनाडु में बहुमत साबित करने के लिए AIADMK के दोनों धड़ों को मौका दिया जाना चाहिए। निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के बाद सर्वेक्षण प्रकाशित करने के लिए UP के 15 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों को हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण और रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक राज्य में अधिकतर कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकार बनी, पर क्या इन्होंने अभी तक लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। मोदी ने कहा कि 2014 में लोगों ने सभी पार्टियों को साफ कर दिया था, बाकी दो कुनबों के कुछ लोग 2014 में जीते। UP में सुल्तानपुर सदर से SP प्रत्याशी और मौजूदा विधायक अरुण कुमार वर्मा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। 3 साल पहले विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती की हत्या के मामले में विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पाकिस्तान में नेता का चोला पहनने के फिराक में आतंकी हाफिज सईद है। पाकिस्तान से मिल रही खबरों के मुताबिक हाफिज सईद नए नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। इसके लिए वो बाकायदा पाकिस्तान चुनाव आयोग के संपर्क में है। पाकिस्तान के सेनेट के उप सभापति को वीजा देने से अमेरिका के इनकार के बाद पाकिस्तानी सांसद भड़के हुए हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी जनप्रतिनिधियों ने अमेरिका का बॉयकॉट करने की धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि रविवार को उसका मिसाइल परीक्षण कामयाब रहा। ये परीक्षण उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की देखरेख में हुआ। ये सतह से सतह तक मार करने वाली मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से देश का सबसे ऊंचा बांध कमजोर हो गया है। खतरे की आशंका को देखते हुए कम से कम 1,30,000 लोगों को घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। खुदरा मुद्रा स्फीति की दर गिरकर 3 साल में सबसे कम हुई है। जनवरी में 3.17% रही। खाद्य पदार्थों की कीमतें गिरने से दर में ये कमी आई है। विराट कोहली की डबल सेंचुरी और अश्विन जडेजा की शानदार बॉलिंग के बाद भारत ने बांग्लादेश को इकलौते टेस्ट मैच में 208 रन से हरा दिया। 459 रन के टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग में 250 रन पर ऑल आउट हो गई। पहली इनिंग में करियर की चौथी डबल सेंचुरी लगाने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने।